जंगल। भैया क्या स्थिति आपकी है? भैया मैं आ रहा था कारला हॉस्पिटल से, यहाँ नौकरी करना। एक लड़का सुपर स्प्लेंडर आके आगे लगाया, पूछा तुम सुबला? हमने कहा तब तक उसने बुलाया आ जाओ या आ जाओ, तब तक हमने समझा हो सकता कोई परिचित हो जी। हम खड़े होकर कब पूछ बात क्या है, तब तक वो रहा क्या डंडा लेके आया, बस वो पकड़ा आना था, उसने घीच दिया सर पर, मैंने हाथ लगा के किसी तरह रोका, तब तक दो तीन राह यह डंडा और पड़ा। जब तक मैं गाड़ी स्टैंड करता जी, तब तक मैं भी सोचा कि मारपीट करने का आमदा है, मैं भी फरुआ खाने दौड़ा, तब तक मेरा पैर स्लिप कर गया तो मैं उसको मार नहीं पाया। उसको क्या आपके पुराने रंजिश थी उससे? हमको जानकारियाँ नहीं, वो भी हमको नहीं परिचित है, परिचित होता तो मेरा नाम क्यों पूछता। क्या स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ के कभी कोई दिक्कत बात हुआ हो, इस तरह से स्टाफ में कोई बात हुआ हो, इस तरह से आया हो? हमारा आज तक कभी किसी को दुरादा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शुक्ला। किस पोस्ट पर हैं आप यहाँ? परिशाह। मतलब कोई ऐसा कोई परिचित नहीं आप उसके नाम आप जानते हैं? कहाँ घटना है? कालका साल की? नहीं नहीं, ये यहाँ आटा चक्की जो है, आटा चक्की है कलियाना में। कलियाना में जी जी। अच्छा, तो और उसका पहचानते नहीं इसको? नहीं पहचानते नहीं। क्या लोग थे? पहले तो वो अकेले था जो हमारी गाड़ी का ओवरटेक करके आगे लगाया जी, लेकिन जब बुलाया तो एक लड़का और आया जो डंडा या राख लेके आया। मतलब वो लोग रहने कलियाना के हैं, कलियाना के आसपास लोग हैं वो? जो आप नहीं बता पाएंगे कहाँ के हैं, ये तो पुलिस की व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था देखे, वो जाँच करेगी क्या स्थिति है। आपने कंप्लेन किया इसको? नहीं अभी तो नहीं किया, अभी तो चोट लगी तो लड़के रात के यहाँ ले आए, तब से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तो नहीं कर पाए। तो आप इसका कंप्लेंट करेंगे? करेंगे।